सम्मानित साथियों, आज साय 6 बजे जैतपुर पार्ट 2 में एक विशाल महापंचायत का क्षेत्रवासियों ने आयोजन किया है। सभी क्षेत्रवासियों का ये मानना है कि पिछले 5 वर्षों में विधायक नारायण दत्त ने बदरपुर क्षेत्र को, चाहे कॉलोनियाँ हों, चाहे गांव हों, चाहे हमारे डीडी फ्लैट्स हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी कैंप हों, उनको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इलाके के विधायक क्षेत्र में तोड़फोड़ करने के लिए अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी की कॉपी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। दिल्ली सरकार के अधिकारी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मकानों को तोड़ने के लिए आदेश देते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के आदेश की कॉपीज मैंने आपको उपलब्ध करा दी हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी क्षेत्र में जो लोग छोटी मोटी दुकान खोलकर अपना गुजर बसर करते हैं, उनकी दुकानों को सील करने का आदेश देते हैं। 1-1 लाख रुपया जुर्माना, बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाए और दुकान को सील कर दिया जाए। दिल्ली सरकार के अधिकारी जो इस तरह का आदेश दे रहे हैं, उस आदेश की कॉपी भी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। कई बार विधायक की ओर से आरोप लगता है और कुछ और लोग भी लगाते हैं जिनका अपना राजनीतिक स्वार्थ होता है, ओजोन के बारे में चर्चा करते हैं। ओजोन 8 मार्च 2010 को मंजूर हुआ और 10 अगस्त 2010 को बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के नहर पार लागू हुआ और उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इलाके के विधायक श्री राम सिंह नेताजी थे और पार्लियामेंट के मेंबर श्री रमेश कुमार थे। रामवीर सिंह विधूड़ी 11 साल विधायक रहा। मेरे 11 साल के समय में कभी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई सीलिंग नहीं हुई। जब से नारायण दत्त शर्मा क्षेत्र के विधायक बने हैं, इन 5 वर्षों में सैकड़ों मकान तोड़े गए हैं, सरकार के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। विधायक कई बार ये दावा करते हैं कि आगरा कैनाल रोड दिल्ली सरकार ने बनाई है। 2007 में आगरा कैनाल रोड मैंने बनाई थी, उसके ऊपर दिल्ली सरकार का 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और जो बाद में जो ये अब कालिंदी कुंज रोड बनाई गई है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कालिंदी कुंज रोड, आगरा कैनाल रोड पर 13 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसमें 1 पाई पैसा दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया है, उसमें विधायक नारायण दत्त का कोई योगदान नहीं है। और मैंने यूपी सरकार का लिखित जवाब आपको उपलब्ध करा दिया है। मैंने ये जवाब भी आपको उपलब्ध कराया है कि 2016 में नारायण दत्त शर्मा विधायक हो जाते हैं, विधायक तो 2015 में बनते हैं, लेकिन 2016 में इन्होंने अपनी सरकार से एसटीएफ का गठन करवाया और एसटीएफ के जो चेयरमैन होते हैं वो दिल्ली सरकार के डीएम होते हैं। वो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। सरकार ने जो जानकारी दी है कि एसटीएफ का गठन किस तारीख को हुआ और एसटीएफ का काम
अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई करने का है वो भी उसमें लिखा हुआ है, और एसटीएफ के कौन कौन मेंबर्स हैं वो भी उसमें उसकी चर्चा है। क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर भी बहुत गुस्सा है कि विधायक नारायण दत्त ने चुनाव से पहले जो वायदे किए उनमें से कोई एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। उन्होंने वायदा किया था कि हम बदरपुर विधान क्षेत्र के नहर पार से ओजोन को हटवाएंगे, आज तक ओजोन नहीं हटा। उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, आज तक एक भी अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई है। नारायण दत्त शर्मा और उनकी सरकार ने यह भी वायदा किया था कि हम अनऑथराइज कॉलोनीज में रजिस्ट्री खोल देंगे, आज तक रजिस्ट्री नहीं खोली गई है। नारायण दत्त शर्मा ने यह वायदा भी किया था कि हम तमाम क्षेत्र के अनऑथराइज कॉलोनीज में और गाँवों में हम सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू कर देंगे, आज तक किसी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की किसी अनऑथराइज कॉलोनी या गांव की एक गली में भी सीवर लाइन नहीं डली है। 1994 में बदरपुर गांव में मैंने सीवर लाइन डलवाई थी और ट्रंक सीवर लाइन भी डलवाई थी जिसको ओखला के स्विच ट्रीटमेंट प्लांट से जाकर हमने मिलाया था। इसी तरह से क्षेत्र में जो DTC की बसें हैं वो बंद हो गई हैं, जो मेरे द्वारा गंगाजल क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया था उसमें भी बड़ी भारी कटौती हुई है, और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग गंगाजल की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इन्होंने ये वायदा भी किया था कि हम विधायक बनने के बाद इस इलाके में कॉलेज खोलेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, ये वायदा भी पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने ये वायदा भी किया था कि हम क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाएंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे, आज तक ना कोई हॉस्पिटल बना है ना आज तक कोई इनके द्वारा कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला गया है। आगरा कैनाल का जो पुल है वो इतना पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है और उसको खतरनाक घोषित कर दिया गया है। अभी तक उस संबंध में इलाके विधायक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। विधायक ने चुनाव में ये वायदा भी किया था कि हम NTPC दीवार को पीछे हटाएंगे, लेकिन आज तक NTPC की दीवार पीछे नहीं हटी है। नारायण दत्त शर्मा के विधायक बनने के बाद जो हमने गरीबों के लिए, जो मैंने अपने समय में जो गरीबों के लिए 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल के लिए जो हमने राशन कार्ड बनवाए थे, आज गरीब लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल नहीं मिल रहा है। इनके विधायक बनने के बाद राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दी गई है। इनके विधायक बनने के बाद आज बेचारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो पेंशन के लिए जो ओल्ड एज पेंशन जो मेरे समय में मंजूर हुई थी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं दी जा रही है। तो आज ये तमाम मुद्दों को लेकर कि जो नारायण दत्त शर्मा के विधायक बनने के बाद क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया, नरक बन गया, उसके विरोध में आज जैतपुर कॉलोनी Part 2 में 6:30 बजे एक महापंचायत क्षेत्रवासियों की ओर से बुलाई गई है। मैं उस महापंचायत में जाऊंगा और आज हम इलाके के विधायक को चेतावनी देते हैं, उनको 15 दिन का समय देते हैं कि जो वायदे उन्होंने जनता के साथ किए हैं उनको पूरा करें, नहीं तो 22 तारीख को 22 सितंबर को उनके दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ और जो क्षेत्र पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया है इसके विरोध में जोरदार उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, राउंड कर ले सर, कुछ सवाल जवाब आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है जी। सर, ओजोन की जहां तक बात है, आप कहते हैं कि 2010 में ये लागू हुआ या सरकारी रिपोर्ट भी है, सरकारी आदेश भी है, 2010 में लागू हुआ, लेकिन एक पंपलेट की चर्चा बार बार विरोधियों के द्वारा की जाती है कि 2007-08 में उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, सार्वजनिक सूचना दी गई थी, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, आपको मालूम है ये पंपलेट लेके घूमते हैं, मैंने तो सरकार का लिखित आदेश आपको दिया है कि ओजोन 8 मार्च 2010 को मंजूर हुआ और 10 अगस्त 2010 को क्षेत्र में लागू हुआ। और जो पंपलेट की बात करते हैं,
इनसे पूछो इसमें कहाँ मीठापुर लिखा हुआ है, इसमें कहाँ जैतपुर लिखा हुआ है, इसमें कहाँ हरिनगर लिखा हुआ है। ये जो पंपलेट लेकर घूम रहे हैं ये फजूल की बातें करते हैं। जब मैंने आपको लिखित आदेश दिया, आप डीडे की वेबसाइट पर जाइए, उसमें स्पष्ट है। और मैं ये बात कह चुका हूँ, अगर ओजोन 8 मार्च 2010 को मंजूर नहीं हुआ और 10 अगस्त 2010 को नहर पार लागू नहीं हुआ, ये ओजोन ये वजीराबाद तक है, ये 48 किलोमीटर एरिया में है। लेकिन जो पंपलेट लेके घूम रहे हैं इनसे बताइए, ये अगर जानकारी मांगी होगी, अगर इनका पंपलेट ठीक भी है तो दिल्ली के लोगों से कोई जानकारी मांगी होगी, जनता से, तो इसमें कहीं विधायक को कोई चिट्ठी लिखी हो। और दूसरी बात यह है कि जो ओजोन है, जैसे मैंने बताया कि वो 8 मार्च 2010 को मंजूर हुआ है और 10 अगस्त 2010 को इस क्षेत्र में लागू हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि 2008 में मैं विधायक था, कभी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कभी किसी ने ओजोन का नाम नहीं सुना। मैं 2013-2014 में विधायक था, मुझे बताइए, आप नहर पार में जाइए, हजारों लोगों ने मकान बनाए, क्या किसी की दुकान सील हुई, क्या किसी का मकान तोड़ा गया? नारायण दत्त शर्मा के विधायक बनने के बाद ही ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है, मैं आपके माध्यम से ये उनसे पूछना चाहता हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि रामवीर सिंह विधूरी के समय में ओजोन मंजूर हुआ हो या ये लागू हुआ हो, मैं सियासत से हट जाऊँगा, मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी से कभी भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मेरी इनको चुनौती है। देखिए, सांसद रमेश विधूरी ने अभी एक जनसभा की थी, दैनिक जागरण का कार्यक्रम था, तो 700 मीटर के दायरे की बात कही कि हमने डीडीए से बात की है, वो 700 मीटर के दायरे का नाप करे ओजोन के लिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि 2010 में लगा, उसके बाद एक साल के लिए आप फिर विधायक बने थे उस क्रम में। मैं तो 2013-14 में बना हूं। जी जी, उसके पहले भी बहुत सारे नेता रहे, तो ओजोन की तरफ ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ किसी का? क्यों नहीं हुआ ध्यान? देखिए, बराबर इसका इस मामले को उठाया गया है। हमारे RWA के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं श्री के सिंह जी हैं, दुष्यंत प्रधान जी हैं, ये बराबर कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम जब मैं विधायक बना, मैं कमलनाथ जी के पास गया था, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री थे, मैं वाइस चेयरमैन DDA के पास गया था, मेरे पास उसके लिखित वाइस चेयरमैन DDA के जवाब हैं। और नारायण दत्त शर्मा एक बता दे, कभी अभी हाउस में चाहे वो बोले हैं, अभी ये मामला उठाया है, 4.5 साल वो मुंह बंद करके रहे। मैं तो विधायक बनने के बाद भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री के पास गया, मैं वाइस चेयरमैन DDA को कम से कम 3 बार मिला, और वाइस चेयरमैन DDA ने ओजोन के संबंध में जो रिप्लाई दिया, लिखित रिप्लाई दिया, वो मेरे पास है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो 2007-08 में तत्कालीन विधायकों को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई? नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ, कैसा पंप भाई, ओजोन जब मंजूर हुआ है 8 मार्च 2010 को, और मैं तो केवल 2008 तक विधायक हूँ, और लागू हुआ है 10 अगस्त 2010 को, उस समय कौन विधायक था, कौन MP था? रामवीर सिंह विधूरी तो नहीं था। ये मास्टर प्लान की जब बैठक होती है DDA को, जो 2021 मास्टर प्लान है, 2042 बनने जा रहा है, तो इसमें विधायकों को बुलाया जाता है क्या मास्टर प्लान में? नहीं, वो बात यह है कि उसमें पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं, क्योंकि ये DDA और भारत सरकार का UD डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली सरकार के UD डिपार्टमेंट से विचार विमर्श करके इसका फैसला लेते हैं। आपकी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो उन्होंने क्यों इसके लिए कोई काम नहीं किया आज तक? नहीं, वो तो प्रयास कर रहे हैं बराबर भाई, ओजोन को हटाने के लिए जो मेरी जानकारी है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले हैं, वाइस चेयरमैन DDA साहब को मिले हैं, वो जो भारत सरकार के UD मिनिस्टर हैं उनको जाके मिले हैं, और RWA के लोग उनके साथ गए हैं। डिमार्केशन के जैसे ऑर्डर हो गए हैं, ये चाहे तो हो सकता है उसमें? देखिए उसमें अभी तक मैं आपको जानकारी दे दूँ, फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार ने आज तक वो इसकी जानकारी नहीं दे रहे, जो जानकारी कमेटी मांग रही है ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। और इसमें जब ये जो डिमार्केशन होती है, इसको कौन करता है डिमार्केशन? एरिया के पटवारी तहसीलदार, वो किसके अधीन है? दिल्ली सरकार के अधीन है। तो बात ये है कि अगर विधायक 4.5 साल सोते रहे,
जब इन्होंने और इनकी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने लवकुश चौक पर हजारों लोगों के बीच में ये कमिटमेंट किया, ये वचन दिया, ये वायदा किया कि हम 3 महीने के अंदर ओजोन को हटा देंगे, आज तक क्यों नहीं हटा ओजोन, ये जवाब अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा और ये जवाब इलाके के विधायक नारायण दत्त शर्मा को भी देना पड़ेगा। सर अब ओजोन कैसे हटेगा? नहीं, ओजोन को हटाने के लिए देखिए, ओजोन की जहाँ तक बात है, ये 2013-2014 में ओजोन को हटा दिया गया था, इसको एफ जोन में परिवर्तित कर दिया गया था। ये केवल उसके बाद NGT कोर्ट है वो, और सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन होते हैं NGT के, तो वो वहाँ जाके स्टे हो गया। वो तो पहले से 2013-14 में उसको एफ जोन में परिवर्तित कर दिया है, तो केवल ये मामला NGT कोर्ट में पेंडिंग है। अब उन्होंने कुछ और जानकारी दिल्ली सरकार से भी और DDA से भी मांगी है, तो ये जानकारी जैसी उपलब्ध हो जाएगी तो मेरा ये मानना है कि ऑर्डर तो पहले से हुआ है, हो चुका है, तो ये मामला जो है ये ठीक से निबट जाएगा। और हम लोग भी अपने स्तर पर जहाँ जहाँ देखिए, हम लोग पब्लिकली जो है ना, हम लोग बहुत हल्ला डालते रहे, लेकिन जब जब हमारे पार्टी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे सरकार में जो केंद्र सरकार मंत्री हैं हमारे, हम बराबर इस मामले को निरंतर उठाते रहते हैं। लेकिन हम लोग पार्टी के अंदर रह के पार्टी की कोई हम कोई हल्ला तो नहीं डाल सकते ना, अपनी बात को रखते हैं। इसमें लेटेस्ट अपडेट है कि NGT ने जो है प्रिंसिपल कमेटी को आदेश दिया था DDA से डिमार्केशन करवाने के लिए। DDA जो है डिमार्केशन के लिए जैसा कि आप कह रहे हैं, पटवारी और तहसीलदार को आदेश देकर के करवाती है, क्या ऐसा प्रावधान है? नहीं बिल्कुल, तो वो मैं कहता हूँ डिमार्केशन काम, लैंड जो है वो किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है, वो बताएंगे ना, फ्लड डिपार्टमेंट बताएगा कि कहाँ से, फ्लड डिपार्टमेंट बताएगा ना, जो फ्लड आता है वो बताएगा ना कि वो कितने एरिया को इफेक्ट करता है। ये तो दिल्ली सरकार का फ्लड डिपार्टमेंट जानकारी देगा, और दिल्ली सरकार के पटवारी और तहसीलदार बताएंगे, मेजरमेंट करके बताएंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये जो DDA के डिमार्केशन में देरी हो रही है, इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? देखिए बात ये है, वो तो पूरी तरह से जिम्मेवार है ही है। मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, नारायण दत्त विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के जो RWA के लोग हैं, जैसे मैंने बताया पिछले काफ़ी समय से श्री के सिंह साहब और दुष्यंत प्रधान जी इसके लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दे नारायण दत्त, उन्होंने ओजोन को समाप्त करवाने के लिए अपनी सरकार की ओर से सरकारी वकील NGT कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया आज तक? जवाब दे इस बात का, जब ये कमिटमेंट करके आए तो क्या इन्होंने जो वायदा किया उसके प्रति इन्होंने गंभीरता दिखाई? जब इनको मालूम है NGT कोर्ट में है, तो बढ़िया से बढ़िया वकील दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में खड़ा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? ये जवाब देना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को भी देना पड़ेगा और नारायण दत्त को भी देना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सर अगर कहना चाहें तो? धन्यवाद, मैं तो जो कुछ आपको मैंने जो कोर्ट फोर्ट पे एक सवाल है, आप वहाँ गए थे, जो दुकानें सील हुई थी, क्षेत्र में कोर्ट फोर्ट भी होते रहते हैं आए दिनों, तो सवाल ये कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखो एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ तक तोड़फोड़ की बात है, तोड़फोड़ जो है ना वो केवल वो पूरी दिल्ली में जो है ना, आप लोग रोज़ अखबार पढ़ते हैं, पूरी दिल्ली भर में सरकार की ओर से, अब कई बार सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब रेहड़ी पटरी वालों को जो फुटपाथ पे उनको हटाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसका कभी भी दिल्ली सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर दिल्ली के लोगों का पक्ष नहीं रखा, कभी नहीं रखा, ऊपर से STF और बना दी तोड़फोड़ करने के लिए। तो मैं अब तोड़फोड़ हो रही है, STF बना दी, तो विधायक इसका जवाब देगा। मैं अपने 11 साल का जवाब दे सकता हूँ बैठ के कि मेरे 11 साल में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई सीलिंग नहीं हुई। 2007 में भी जब पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही थी, मैं आज आपके चैनल जो भी आप सब साथी आए हैं, आज आपको ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, 2007 में जब पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही थी, इस दिल्ली में पूरी दिल्ली में गोली चल गई थी और कुछ नौजवान मारे गए थे,
मैंने अपने क्षेत्र में उस समय भी कोई दुकान सील नहीं होने दी थी, मैं विधायक था, मैं अपने समय के की मैं जिम्मेवारी लेता हूं। और आज तो क्षेत्र में अगर कोई टंकी वाली रोड को बनाने में 4.25 साल लग गए विधायक को, जबकि वो नहीं बनाई थी, मैंने बनाई हुई थी, वो दोनों तरफ नाले बनाए हुए थे उसको, और बर्बाद कर दिया। लोगों ने कहा कि आपने अच्छी भली सड़क बनी हुई थी, नाले बने हुए थे, खाली उनकी डिसिल्टिंग करनी चाहिए थी, तो आपने 4.25 साल इसमें लगा दिया, हमको बर्बाद कर दिया, हमारा धंधा चौपट हो गया। तो कहते हैं ये रामवीर सिंह भी थोड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कोई चीज़ हो जाए, लोहिया पुल खतरनाक घोषित कर दिया गया, कहते हैं रामवीर सिंह भी थोड़ी ने घोषित करा दिया। अब ये जो कुछ काम ये काम करते नहीं, और जब लोग पूछते हैं कि ये काम नहीं हो रहा वो काम नहीं हो रहा, तो कहते रामवीर सिंह भिथूड़ी नहीं होने दे रहा है। अरे आज तुम दिल्ली में विधायक हो, तुम सरकार में चेयरमैन हो, तुम्हारी 67 विधायकों की तुम्हारी दिल्ली में सरकार है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। मैं 3 बार विधायक रहा, मेरी तो पार्टी की कभी सरकार भी नहीं रही, मैं कभी रूलिंग पार्टी का MLA नहीं रहा, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई कोई पूर्व विधायक मुझे काम नहीं करने दे रहा है। अरे तुमसे काम करना आता नहीं है, कामों में तुम्हारी रुचि नहीं है, केवल तुम लगे रहते हो और दूसरे धंधों में, क्या कमाई के धंधों में, तुम गंभीर कहाँ हो क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके। और मैंने बताया ना अभी आपको कितने सारे वायदे किए थे, कौन सा वायदा पूरा किया इन लोगों ने, बताएं तो सही ना। तो मैं जब विधायक था उस समय की गारंटी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है भाई आप जाओ नहर पार, जो आप तोड़फोड़ की बात करते हो, पूछो कि रामवीर सिंह भिथूड़ी 2013-14 में विधायक, आज भी मैं जा रहा हूँ ना, आ जाओ वहाँ पे, आपके सामने लोग होंगे वहाँ पे, और कोई ये नहीं है वहाँ पे मेरी पार्टी के समर्थक होंगे, वहाँ सभी जाति धर्मों के लोग होंगे। एक 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 न्यूज जो है उसकी सत्यता मैं जानना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने STF को तोड़ दिया था क्या, ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है, श्रीमती शीला दीक्षित के टाइम में भी STF का गठन किया गया था, लेकिन मैंने ये रिकॉर्ड पे है, आज वो बेचारी संसार में नहीं है, वो बहुत ही शानदार महिला थी, और जनहित में जब जब उनसे कोई काम हम कहते थे तो तुरंत कार्रवाई करती थी। तो उनके समय में भी STF का गठन हुआ था, तो हमने कहा कि देखिए इस STF के नाम पे अधिकारी जो है ना दिल्ली सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और बहुत उनकी तरफ से कुछ इस तरह की कार्रवाई हो रही है जो ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है। तो उन्होंने जो STF का गठन उन्होंने किया था उसको उन्होंने डिजॉल्व कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन 2016 में फिर यही नरेंद्र शर्मा, अब STF बनवा दी, अधिकार दिल्ली सरकार के अधिकारियों के हाथ में आ गए तोड़ फोड़ के, तो फिर ये दूसरा खेल करते हैं। अब उस खेल को आप समझ लीजिए क्या क्या खेल होते हैं। तो ये केवल ये लोग क्षेत्रवासियों के प्रति ईमानदार नहीं है, दो ही बातें हैं ना, या तो ईमानदार नहीं है और या इनकी पकड़ नहीं है। रामवीर सिंह भिथूड़ी क्षेत्रवासियों के प्रति ईमानदार भी था, और रामवीर सिंह भिथूड़ी के अधिकारियों के ऊपर पकड़ भी थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज तो गली गली में गांजा चरस बिक रही है इसके विधायक बनने के बाद, पूछो इसने कभी ये मामला उठाया है विधानसभा के अंदर, कभी ये जाके कभी किसी अधिकारी को जाके मिले इस संबंध में, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट में जो 7 सीलिंग के जो ऑर्डर हो गए हैं उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आई है। कौन सी? अभी जो अभी ऑर्डर हो गए थे 7 दुकानों की सीलिंग के, जो हमारे चैनल पे आप नर्वस भी हो गए थे उसको लेकर के। नहीं देखिए ये एक दुकान का सर आपने दिया है, एक दुकान का सीलिंग का अलनियामत को सील करने के ऑर्डर हो गए हैं। देखिए 7 दुकान जो थी जो सीलिंग हुई थी, आप बड़े नर्वस भी हो गए थे उससे। नहीं कोई मैंने आपको बताया कि ये जो कार्रवाई हुई, फ्लड आया हुआ था, क्षेत्र के DM विजिट पे गए हुए थे, और ये सही बात है कि कुछ दुकानदारों का कोई मतलब कोई सामान सड़क पे होगा, आने जाने में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो फिर इस तरह की डायरेक्शन दी गई कि भाई इनको हटाइए। तो वो मैंने उसकी पूरा जो निर्देश दिए गए उसकी कॉपी आपको दी है नियामत वाले की सर। हाँ? नहीं उसमें और भी जो लोग और भी हैं उसकी भी इस पे चर्चा है।
खाली इसी की नहीं है बल्कि और आगे तक भी एडीएम का लेटर है सर, ये नियामक वाला। हाँ हाँ वो भी है, और बाकी जो और लोग भी थे उनके बारे में भी ये कहा गया था। तो ठीक है, वो जब जानकारी हमारे पास आई तो हमने अपने तरीके से इसमें जो भी मुझे करना चाहिए था हमने उसको किया, और लोगों को न्याय मिला है। और वो तो विधायक आपके चैनल पे भी बोल रहे थे कि हाँ नियामत की दुकान को सील करने के आदेश दिए गए, उसका ऑर्डर भी है सर। हाँ तो, रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, अब वो स्वयं स्वीकार भी करते हैं, उन्हीं की सरकार ने दी है ना ऑर्डर, तो ये उनकी जिम्मेवारी है ना। मेरे समय में तो कभी दिल्ली सरकार ने कभी कोई ऐसे आदेश नहीं दिए, अब क्यों हो रहा है इनके समय में क्यों हो रहा है? तो इसलिए मैंने कहा है ना, ये लोगों के प्रति ईमानदार हैं और ना ये इनकी पकड़ है। एक और सवाल है सर, आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है और कई बार आपसे बातचीत हुई है इस पर, तो क्या इस बार फिर से जो आजमाइश करेंगे रामवीर सिंह धूड़ी? देखिए बात यह है, रामवीर सिंह धूड़ी आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को चार चार बार अपनी ताकत पे जीता है। 1993 में मैं अपनी ताकत पे जीता, 2003 में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो अपनी ताकत पे जीता, और 98 और 2003 का जो विधानसभा था वो आज के विधानसभा क्षेत्र से ढाई गुना बड़ा था। उसमें हरकेश नगर भी था, तेखंड भी था, आली विहार भी था, जगदम्बा कॉलोनी भी थी, सरिता विहार भी था, मदनपुर खादर भी था, जसौला भी था, ओखला का कुछ हिस्सा था। और मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र 2007 में भी जीता टोटल वोट में, और 2012 में भी मेरे सारे पार्षद जीते, मैंने 12 में भी जीता। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो 2013 में आज़ादी के बाद पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। उससे पहले कभी भी बदरपुर क्षेत्र से ना भारतीय जनता पार्टी जीती, या बीच में जनता पार्टी रही ना वो जीती, ना जनसंघ पार्टी जीती। तो मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 14,000 वोट से 2013 में मुझे चुनाव जीतने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना, मैं लड़ा। 2015 में मुझे आदेश दिया, मैं लड़ा। अब पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ने का आदेश देगी, अब ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम अनुशासन से बंधे हुए हैं, तो पार्टी का जो आदेश होगा, जिसको आदेश देगी पार्टी, किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। तो रामवीर सिंह धूड़ी जैसे जब मैं अपना चुनाव लड़ता था, जिस उत्साह और उमंग के साथ मैं अपने लिए काम करता था, उसी उत्साह उमंग के लिए मैं कोई दूसरे कार्यकर्ता को भी अगर लड़ने का अवसर मिलता है तो मैं काम करूँगा।